हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया पहले, फिजोमीटर पे क्वेश्चन देखा है ना, इजी एक तो फिजोमीटर तो एकदम इजी केस है। यूट्यूब मैनोमीटर पे हम लोगों ने देखा है ना, इसमें इक्वेशन सेट करना होता है, एक तरफ पाइप से कनेक्टेड होता है और दूसरी तरफ फ्री है, इधर से भी प्रेशर को ऐड कर लिए, इधर से भी प्रेशर को ऐड कर लिए और हम लोग मतलब इक्वेशन बना के, और जो अननोन होता है जैसे यहाँ पे इस जगह का प्रेशर अननोन था तो वो हम लोग निकाल दिए पीए मान के उसको, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या करना था कि दो अलग अलग पाइपलाइन होता था, है ना। डिफरेंशियल मैनोमीटर में देखे थे ना कि दो अलग अलग पाइपलाइन हुआ करता था, एक एक पाइपलाइन ये है मान लो, एक पाइपलाइन ये है, और इन दोनों पाइपलाइन में अलग अलग प्रेशर होगा, तो इन दोनों के प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्या है वो जानने के लिए जो ब्यूटिव मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, है ना। तो इसके लिए भी इसमें भी इक्वेशन वैसे ही सेट होगा, बस उसमें चूंकि ये सिर्फ अननोन था पीए तो वो निकल जाता था, इसमें क्या है ये भी अननोन ये भी अननोन, लेकिन इक्वेशन के वजह से आपको इसका और इसका डिफरेंस निकल जाएगा क्या प्रेशर, है ना, पीए माइनस पीबी निकल जाएगा, तो वो निकाल लेते हैं। जैसे इस साइड इसमें जो है इस तरफ से एटमोसफेयर था तो यहाँ पे जीरो लिख दी, यहाँ पे इस कुछ लिखे ही नहीं, अगर यहाँ पे भी कोई पाइप होता तो उसका भी प्रेशर होता, तो पीबी कोई बी पॉइंट होता तो पीबी प्लस लिखते, है ना, तो पीए और पीबी का डिफरेंस तो पीबी को इधर ले आते, इसको उधर भेज देते, तो पीए माइनस पीबी निकलना जाता, तो वही काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का एग्जांपल है जिसका थ्योरी पार्ट तो हम लोग देख ही चुके हैं, फिर से एक बार बता दिए, कुछ लोगों का छूटा होगा तो निम्नलिखित में दिक्कत होगा हो सकता है। तो इस तरह से वो तरीका लगा के हम लोग को डिफरेंशियल मैनोमीटर में इसमें इस पे जो प्रेशर होगा और इस पे जो प्रेशर है उसका डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे एम और एन है तो पी एम माइनस पी एन निकालना है हम लोग को, एकदम ईजी है, इक्वेशन सेट करना है और पी एम माइनस पी एन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें मांग क्या रखना है, एज शोन इन द एक्कम्पनाइंग अरेंजमेंट एम कॉन्टेन टोल्यूइन, कोई कोई लिक्विड है जो टोल्यूइन जो एम एम वाला जो पाइप है उसके अंदर है ना, ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.875, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.875 है वो बता दिया उसने, अंडर ए प्रेशर ऑफ 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके अंदर ये प्रेशर है वो भी उसने बता दिया, यहाँ पे अननोन नहीं रखा उसने, है ना। 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये एम पॉइंट पे प्रेशर है, पी एम होगा तो वो उसने बता दिया यहाँ पे, तो हो सकता है कुछ और बात पूछता होगा। एंड पाइप एन कॉन्टेन वाटर, एन जो है पाइप इसके अंदर पानी है, इसके अंदर टोल्यूइन था, इसके अंदर वाटर है ना, एन के अंदर वाटर है, अंडर प्रेशर ऑफ 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर, और इसके अंदर जो प्रेशर है वो भी इसने बता दिया है, एम और एन दोनों पे जो प्रेशर है वो बता दिया है ना, तो ठीक है, तो पी एम और पी एन जो है ये दोनों बता दिया है, तो इसमें वो डिफरेंस तो नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। एंड दी मैनोमीटर लिक्विड इज मर्करी, और यहाँ पे जो ये जो लिक्विड है मैनोमीटर के अंदर जो इनिशियली रखा हुआ रहता है वो मर्क्यूरी है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी, तो यहाँ पे क्या पूछ दिया कि मर्करी का लेवल का क्या डिफरेंस होगा, मतलब थोड़ा सा तो आगे पीछे होता है ना, इधर से प्रेशर ज्यादा आया उधर से उधर दब जाता है, दूसरी तरफ उड़ जाता है, तो मर्करी का जो लेवल का डिफरेंस हुआ वो पूछ रहा है, इसमें यहाँ पे प्रेशर यहाँ प्रेशर बता दिया तो ये डिफरेंस पूछ रहा है कितना हुआ, तो उसको एक्स मान लीजिए आप, है ना, यहाँ पे मर्करी का लेवल ये है, यहाँ पे मर्करी का लेवल ये है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप हुआ मतलब लेवल का जो डिफरेंस हुआ वो एक्स है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि एक्स कोई डिफरेंस हुआ, तो ये पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो पाइपलाइन है, एक एम है और एक एन है, एम के अंदर कुछ प्रेशर होगा, एन के अंदर कुछ प्रेशर होगा, जैसे ही इसको यूट्यूब मैनोमीटर के दोनों अलग अलग लिंब को जोड़ा गया, एक लेफ्ट लिंब को इसमें जोड़ा गया, राइट लिंब को इसमें जोड़ा गया, तो उस टाइम में जोड़ने से पहले जो है मरकरी जो है बैलेंस की स्थिति में रहा होगा, दोनों तरफ लिंब में बराबर बराबर मरकरी रहा होगा, लेकिन जैसे ही जुड़ा तो किसी में प्रेशर, इसमें मान लो प्रेशर कम रहा होगा तो ये नहीं दबा पाया, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा रहा होगा तो इसको दबा दिया, इधर नीचे उठ गया, है ना, मान लो ऐसा हुआ होगा, ये फिगर दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमी फिगर बोला हुआ है ना इसमें, तो फिगर दिया होगा क्वेश्चन में, इसमें नहीं अगर दिया होता है तो वहां बनाना पड़ता है फिगर, एज शोन इन फिगर पहले लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है। तो इसमें यहाँ मरकरी नीचे हो गया, इसमें मरकरी ऊपर उठ गया, अब यहाँ पे पीएम बताया हुआ है, पीएन बताया हुआ है ना, बाकी ये सब जो दूरी दूरी ये सब बता ही दिया है कि यहाँ से इस पॉइंट से ये इतना ऊंचा है, इस पॉइंट से मरकरी का ये वाला पॉइंट इतना ऊंचा है, तो ये सब दिया हुआ है, तो आप हम लोग इक्वेशन सेट करेंगे और जो एक्स अननोन है सिर्फ तो वो निकल जाएगा, ये तो इजी ही हुआ है ना। इसमें भी वही है, इसको भी बनाने का वही तरीका है कि नीचे से सिमेट्री देखते हैं, तो यहाँ तक मरकरी है, इधर भी यहाँ तक मरकरी है, तो ये सिमेट्री वाला पॉइंट है ना, तो एक्सिस की जगह पे इसको ई एफ वही एक्सिस मान लिया,
तो यहाँ पे इसकी इन दोनों पॉइंट पे यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा, है ना। तो इधर का प्रेशर इधर से कैलकुलेट करते हुए आएंगे और इधर का प्रेशर इधर से कैलकुलेट करते हुए आएंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना। इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगा, कोई एक अननोन है वो हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन सेट करते हैं, इधर से लेफ्ट लिम से बनाइए। यहाँ पे प्रेशर है एम के पॉइंट पे, प्रेशर होगा मान लो पी एम, है ना। इधर से पी एम प्लस ये पानी, ये टॉल्यून होगा यहाँ तक जो है टॉल्यून, ये फ्लूड घुसा होगा ना, ये इसके अंदर जो फ्लूड रहा होगा टॉल्यून, तो वो ये घुसा होगा। तो पी एम प्लस, मान लो कि इसका नाम, इसका रख दो डब्ल्यू वन, इसका नाम रख दो डब्ल्यू टू, और इसका नाम रख दो डब्ल्यू थ्री, या डब्ल्यू जी से डिनोट कर रहे थे हम लोग, है ना। जो थ्री पार्ट हुआ था उसमें डब्ल्यू जी से इसको डिनोट कर रहे थे हम लोग। तो ये डब्ल्यू वन, ये डब्ल्यू टू और ये डब्ल्यू जी। तो इधर या इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा टोटल, पी एम प्लस डब्ल्यू वन और ये हाइट, डब्ल्यू वन इंटू ये हाइट कितना है यहां से लेके यहां तक का हाइट, 2 + 1 मीटर, तो हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, और उसके बाद कुछ दूर तक मरकरी भी है, तो प्लस मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी डब्ल्यू जी इंटू ये हाइट, ये है एक्स, एक्स लिख देंगे, है ना, इक्वल टू, ये हुआ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से। अब हम लोग राइट साइड जाएंगे, तो राइट साइड में इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, पी के पास, एन के पास पी एन प्रेशर, मान लेते हैं कि इस पे प्रेशर जो है पी एन है, हालांकि इसका वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग अब वैल्यू रख देंगे। तो और यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी एन यहाँ पे है तो ऐड होते हुए ये चीज ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे प्रेशर निकल जाएगा। तो पी एन प्लस, यहाँ पे कौन सा फ्लूड है, ये फ्लूड डब्ल्यू टू फ्लूड है, इसमें जो फ्लूड होगा वही ना इंटर किया होगा यहाँ पे, तो डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू इंटू, और ये हाइट कितना है, ये हाइट ये 1 + x, दिख रहा है ना, ये 1 मीटर और ये जो है ये x मीटर है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, नजदीक से देख सकते हैं आप लोग, 1 मीटर और x मीटर हो जाएगा। तो ये 1 + x, तो ये इक्वेशन बना हम लोग का। इसमें पीएम जो है और पीएन ये दोनों दिया हुआ है ना, ऊपर में ही आप लिख सकते थे हम लोग कि पीएम और पीएन दिया हुआ है, गिवन गिवन आइटम यहाँ पे लिख सकते हो, गिवन साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, गिवन पीएम इक्वल टू कितना है, ऊपर में लिखा हुआ था 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहाँ पे इसलिए लिखे ना, इसको तोड़ना पड़ेगा, ये एसआई यूनिट में नहीं है, है ना। तो इसको ये कितना हो जाएगा, एसआई में सेंटीमीटर को मीटर में वाले में कन्वर्ट करोगे कितना कितना होगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो क्या होगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, 1 सेंटीमीटर की जगह पे 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर लिखना पड़ेगा ना, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 1/100 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 मीटर इक्वल टू होता है ना 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100 उधर जाएगा, 10⁻²⁪ मीटर हो जाएगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए दोनों, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे, ये सब कन्वर्जन नहीं आता है तो घर पे प्रैक्टिस करना है, सबका ये आना चाहिए एज ए इंजीनियर, है ना। ये आगे भी आपको जब जाओगे प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो ये सब हमेशा जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख दिए हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, ये 10 पहले से है तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, पीएम ये है, और पी एन भी, पी एन दिया हुआ है 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी ऐसे ही होगा, 15 × 10⁴ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फाइनली मतलब इस पूरा स्टेप नहीं लिख रहे हैं, है ना, हो गया। इसको 10⁵ है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 10 × 10⁴, बात बराबर ही है, मतलब एक जैसा दिखने के लिए लिख दिए हैं,
ये 10 आई 10^4 ऊपर गया था ना, तो 10 × 10^4 हो जाएगा, या 10^5 लिख सकते थे। ये चीज हो गया, ये 15 है तो वो 10 था तो 10 × 10^4 हो गया, ये 15 है तो 15 × 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है ही ना इसमें, इसको भी तोड़ तोड़ के लिखिए, वही सेम जो स्टेप ऊपर किए गए वही करोगे तो यहाँ भी ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पीएम की जगह पे लिखेंगे 10 × 10^5, या उस पर पूरा जीरो बैठा दीजिए चार ठो। W1 मतलब इस यहाँ पे जो फ्लूड है उसका W, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.875 है, तो W हो जाएगा 0.875 × 9810, यही ना होता है W इक्वल टू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 9810। ये 2 + 1 है तो ये हो जाएगा 3, प्लस WG मतलब मरकरी का स्पेसिफिक वेट, तो मरकरी डब्ल्यू जी है ना, डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एस इंटू 9810, तो मरकरी का एस होता है 13.6, है ना। डब्ल्यू इक्वल टू एस इंटू 9810, यही ना था, यही ना कर रहे थे। तो एस जो है मरकरी का, ये डब्ल्यू, हाँ ये मरकरी के लिए एस 13.6 होता है इंटू 9810, ये चीज, और इंटू एक्स, ये है ना एक्स अननोन है जो वो भी लिखना पड़ेगा। और ये जो पार्ट है ये हम लोग नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे पी एन हम लोग का आया है 15 × 10^4, ठीक है, प्लस W2 मतलब ये W2 कौन सा लिए हम लोग, ये पानी वाला जो फ्लूड है उसको W2 लिए हैं, तो पानी का W तो हम लोग को पता ही है 9810, या 1 × 9810 लिख दो, इंटू 1 + x, ठीक है। तो ये चीज हो गया, अब इसको सॉल्व 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 करना पड़ेगा आपको एक्स निकालने के लिए, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, ये 5 तो 0 प्लस इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.875 × 9810 × 3 इज इक्वल टू हो गया 25751, 25751.25। आप तो अपने से भी सॉल्व कीजिए, वैल्यू आ जाएगा तो बताइएगा। प्लस इसको ये रहने देते हैं 13.6, कितना आया, अच्छा ये, और फाइनल एक्स का वैल्यू निकाल के निकाल लीजिए, जब तक हम भी बना रहे हैं आप लोग भी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। 15 × 10^4 प्लस यहाँ पे ये जो हो जाएगा 9810, यहाँ पे दो बार गुना होगा, एक बार 9810 हो जाएगा, दूसरे बार 9810 × x हो जाएगा, 9810 × x, है ना। अब ये 9810 x एक यहाँ पर भी है, x वाला टर्म एक यहाँ पर भी है, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, है ना। तो ये 13.6 × 9810 x माइनस हो जाएगा 9810, इधर वाला ये वाला उधर ले जाएंगे तो ये 9810 x हो जाएगा। तो x का टर्म इधर लिख देते हैं और बाकी सारा टर्म इधर लिख लेते हैं, इधर ऑलरेडी ये है प्लस 9810, ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 लाख माइनस ये 25751.25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 9810 इंटू 13.6 है, ये 9810 सिंपल है, तो 9810 × x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 9810 को कॉमन ले लो दोनों में है, तो ये 13.6 x माइनस 1 बचेगा, 1 x, है ना। और इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 2.5 प्लस माइनस, नहीं दिख रहा है, आप लोग फुल स्क्रीन नहीं किए हुए हो क्या, मोबाइल को फुल स्क्रीन में रखो, ये हो जाएगा 3408.75, है ना। तो ये जो है 13.6 − 1, ये 9810 ये 13.6 x माइनस x घटेगा तो ये 12.6 x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3408.75, तो x इक्वल टू यहाँ पे निकल के आ जाएगा, इसमें से डिवाइड हो जाएगा 9810
डिवाइड बाय 12.6, तो ये आ गया आपका 0.275 मीटर। तो ये मीटर में है, एमएम में बताना होगा, तो हमको कितना करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो एमएम में हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 275 mm हो जाएगा। हालांकि सब ऊपर में पूछा हुआ है, मीटर में ही है, सबको ही मीटर में ही आंसर बता देना होगा, है ना। ये आंसर हो गया, सब लोग का इतना आया, कुछ डिफरेंट भी आ रहा है। इतना ही, एक इतना ही आ रहा है सबका। चलिए, वेरी गुड। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, मतलब इसको, हाँ ठीक है। तो जो है इसमें जो दिक्कत होगा आपको ऊपर में, वो भी दिक्कत तो नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ये खेल है। तो वो इक्वेशन बनाना खेल की तरह समझ के, बस इक्वेशन ऊपर का सेट कर दीजिए, बाकी नीचे का तो वही जो आप 8वां 9वां 10वां में करते आ रहे थे, वही सब करना है ना, गुना भाग। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपके बुक में ऐसा सैकड़ों क्वेश्चन होगा इस टाइप का, जो भी आप, जो भी बुक होगा आपके पास, खूब प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, है ना। उसको बनाइए इस टाइप का क्वेश्चन सब, कुछ दिक्कत हो तो वो पूछिए। कल फिर क्लास है हाइड्रोलिक्स का, तो आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए उस पर, और कुछ डाउट हो तो वो बताइए, उस पर डिस्कस करेंगे, है ना।